चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज स्मॉल पी। इट इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। ये होना चाहिए। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डाइपोल है, डाइपोल का मतलब एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई डाइपोल मोमेंट की, करेक्ट है, जिसको पी कह रहा है क्वेश्चन। चार्ज क्यू की वैल्यू है, डाइपोल में एक माइनस क्यू होता है एक प्लस क्यू होता है, मतलब चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा है, प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रखा गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है जीरो डिग्री होगा। पी वेक्टर पी एंड वेक्टर ई के बीच का एंगल जीरो। अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो फोर्स निगेटिव चार्ज पे तो इधर लगेगा ना, माइनस क्यू इंटू ई, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, होगा ना प्लस क्यू इंटू ई। तो नेट फोर्स क्या हो गया, अगर ये पहला फोर्स मान लो ये दूसरा फोर्स मान लो, तो नेट फोर्स डाइपोल पे कितना होगा, एफ वन प्लस एफ टू माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, दोनों कट गया जीरो आ गया, नेट फोर्स तो जीरो हुआ ना, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो होने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा दूसरा अब क्या कह रहा है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल के केस में, ये होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, और थीटा ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही तो डाइपोल रखा हुआ है, यानी पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम है, थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू प्लस वन होती है, और अगर ये वैल्यू रखी जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस पी इंटू ई होगा। और ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस है, क्योंकि थीटा अगर 180 होगा तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, ये वैल्यू यहां रखो, यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई माइनस वन, क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू प्लस ई इन पी इंटू ई। तो इन दोनों में कौन कम है, कम तो ये पी इंटू ई है ना, ये तो मैक्सिमम है ना डाइपोल, यानी उल्टा अगर रखा हुआ है डाइपोल तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि नेट फोर्स जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।